वजह कोई नहीं, हम वो अपनी जगह, हम अपनी जगह है। अच्छा, तो सजाद वहाँ पर अपनी बहनों के साथ रहता था? माँ के साथ, मेरे नानी के साथ, नानी के साथ रहता था। और वो कश्मीरी था उधर, वो हमें मिलने नहीं देता था उसके साथ। नूर हबीब आपके क्या लगे? कुछ नहीं, वो ऐसे गैर मर्द था, पता नहीं क्या था उसको, वो थोड़ा करता था, कैप्चर कर किया था सबको, मेरी माँ को भी, मेरी बहनों को भी। सिद्रा में जिन घरों में से सुबह मिस्टीरियस कंडीशन में जो डेड बॉडीज़ हैं वो पाई गई हैं, उनमें से एक जो लड़का था सजाद, उसके माता पिता इस समय जीएमसी की मॉर्चरी में मौजूद हैं। मुझे बताएं कि आखिरी बार आपकी सजाद से बात किस समय हुई थी? कुछ नहीं, हमारे से कोई बात नहीं हुई सजाद से, ना हम मिलने जाते थे, ना हम मिलते थे, ना हमें कुछ नहीं उनके साथ रहता है। हमें रात के 10-11 बजे बोला थाने में चलो, हम रात को दोनों मियाँ बीवी रहे थाने में, उधर ही पता चला हमें, बाकी कोई पता नहीं। आप कहाँ पर थे उस समय? जम्मू में थे? मैं जम्मू में 4 बजे ड्यूटी से आया था, फिर 10 बजे घर में था। अच्छा, हाँ, हम 1 किलोमीटर वो दूर है हमसे, हाँ 1 किलोमीटर से ज़्यादा है वो। 33 कितने नंबर में? 33 और 32, हम पार्क रहते हैं, वो 32 में रहते, 32 में रहते हैं, हमें कोई पता नहीं। बस इतना पता है हमें रात को बुलाया थाने में, रह गया रात को, बस इतना पता हमें, बाकी कोई पता नहीं। जिस समय आपका मतलब लास्ट टाइम आप सजाद से कब मिले? नहीं, हम नहीं मिले। कोई राबदा नहीं। वजह कोई नहीं, हम वो अपनी जगह, हम अपनी जगह है। अच्छा, तो सजाद वहाँ पर अपनी बहनों के साथ रहता था? माँ के साथ, मेरे नानी के साथ, नानी के साथ रहता था। और वो कश्मीरी था उधर, वो हमें मिलने नहीं देता था उसके साथ, जो नूरुल हबीब है, हाँ, वो बोलता था इधर आए तो मैं टांग तो दूंगा, उसको डराता था, धमकाता था। मतलब आपस में ही फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है? फैमिली में नहीं, वो नूरुल हबीब भी थोड़ा टाइट करता था, मैं तंग करता था, मेरे बेटे को भी मिलने नहीं देता था। अच्छा, तो यानी आपसे 3-4 साल से कोई रابطہ नहीं हुआ सजाद? नहीं, कुछ नहीं। अब मैं सोच रही थी कोर्ट में थोड़ा करूँ कि मेरा बेटा मेरे को वापस दे। अब मैं जा स्कूल में पढ़ता था, उसने उधर से भी निकाला था। सजाद इस टाइम पे जम्मू में पढ़ाई कर रहा था या क्या मतलब? अब पता ही नहीं था मेरे को, मैं बोलती थी क्या करता है, उसको स्कूल से भी निकाला था, कुछ पता ही नहीं था उसका। परसों जब वो जज साहब के पास केस था तो उधर बता रहा था मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, आपका फैमिली का अपना केस कोर्ट में चल रहा है? हाँ, उसने झूठी एलिगेशन लगाई थी, तो मेरे को उसने नूरुल हबीब ने मारा था एक बार, ये देख, तो फिर उसको मैंने थोड़ा कंप्लेंट की थी पुलिस में, बाकी कुछ नहीं, चल रहा था मुकदमा। नूर हबीब आपके क्या लगे? कुछ नहीं, वो ऐसे गैर मर्द था, पता नहीं क्या था उसको, वो थोड़ा करता था, कैप्चर कर किया था सबको, मेरी माँ को भी, मेरी बहनों को भी। क्या मतलब ताल्लुक क्या थे उनके साथ? कुछ नहीं, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, लालच के वजह से, आज लालच के लालच से करते हैं, लालच के बिना कौन होता है। इनका मकान है, डोडा में ज़मीन है, बस इतना पता हमें, बाकी पता नहीं। हम ड्यूटी जाते हैं दिन में, तो आपको रात को मालूम चला? हमें चला 10-11 बजे, हम चलो थाने में, हम दोनों रात थाने में बैठे। अच्छा। हमें पता चला, बाकी हमें कोई पता क्या नहीं। कहा पुलिस वालों ने उस टाइम? बोला, उन्होंने बोला उधर चलो, उधर डेड बॉडी मिले हैं। मैंने बोला क्यों जाना है, बोले उधर डेड बॉडी मिले हैं, क्या है प्रॉब्लम? मैंने बोला हमें कुछ पता नहीं, फिर अभी इधर आए, बस और कुछ पता नहीं। जो अब कड़ी से कड़ी सजा लगनी चाहिए, जिसने ये भी गुनाह किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा लगनी कोई चाहिए। कोई वजह? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें कोई वजह नहीं, वजह का पता नहीं। किसका बताएंगे हम किसको गले पकड़े, इसने किया कुछ नहीं, नहीं कोई किसी कुछ ऐसे कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो, कुछ ऐसे हालात बने, कोई लड़ाई कुछ? नहीं, कुछ नहीं, कोई लड़ाई वड़ाई, कोई आपसी रंजिश? ना, कुछ नहीं, हमें ना आना था ना जाना, कट है, वो अपनी जगह तो हम अपनी जगह। अच्छा, बस इतना पता है, बाकी कोई पता नहीं। बाकी उनको कड़ी सजा मिलने चाहिए, कोई भी हो, हम इंसाफ चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सारा मामला हुआ है, इसमें क्या वजह है, कौन हो सकते हैं, क्या बता सकते हैं हम? अब पुलिस वाले तहकीकात करें अच्छी तरह, उसको कड़ी से कड़ी सजा लगनी चाहिए, हम इंसाफ चाहते हैं। मेरी सारा परिवार खत्म हो गया, क्या वजह थी, क्या उसको कड़ी से कड़ी सजा लगनी चाहिए? अच्छा, जो आपके घर के साथ वाला जो घर था, वहाँ से भी बॉडी जो है मिली है?
आपके वो जो पड़ोसी थे उनसे बातचीत होती थी कोई? आप नहीं, हमने कुछ फोन वोन सीसीटीवी लगे हैं, कैमरा लगे उधर, उधर भी कैमरा लगे, हम हमने उनके साथ उधर भी कुछ बातचीत नहीं होती थी महल में, या उस गली में हमने जाते भी नहीं थे, ना उस गली में ना उस गली। सजाद की कोई बात होती थी? कुछ नहीं होती थी। तो सजाद वहाँ पर अपनी मासियों के साथ, मासियों के नानी के साथ रहता था। सजाद की जो नानी जी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, मुझे बताएं कि कुछ क्या बात हुई थी, कुछ आपको मालूम? क्या पता, कोई मालूम नहीं। ये डोडा से आई डोडा से ऊपर दूर जिधर उसका घर था नहीं, उधर से आया हूँ, उधर से भी ऊपर से। आपकी बात होती थी सजाद से? ना, ना कोई बात नहीं। बड़ा के चाहना तो वो मुंडे है नहीं, मेरे गाल में गाल नहीं निकलती, बच्चा गया टबर गया, क्या गाल करनी, प्यारा टबर चल गया, क्या वजह, क्या समझ, क्या वजह समझना, दूर दूर जगह है, कोई पता नहीं आता नहीं। असर रात ही फिर मुंडा फोन लगा करना। सजाद को कोई परेशानी, कोई टेंशन, कुछ कुछ ऐसा, कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं, बताया नहीं कभी। और कश्मीरी वो गाल नहीं देना था, इन्हें करना सारे से भी बात उस नहीं करनी, तो बस मुक्की गाल। उनका क्या ताल्लुक था सजाद? और उन्हें रोटी पर डाला देना था, क्या पता होंदे होंदे थे कश्मीरी जी का था वो कोई, सारे फूल नहीं कुछ नहीं। तो सजाद की फैमिली का यही कहना है कि उन्हें भी मालूम नहीं है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है जिसकी वजह से मिस्टीरियस कंडीशंस में सजाद की बॉडी पाई गई घर से। रात को इनको फोन आता है, तीन बजे आया फोन मुंडे को, मेरे मुंडे को, फिर उसने लाया फोन, आखें वो बीमार हो गई, आ दौड़ी बीमार है तो जान देगा देखने, उसको कोई दवा शवा दें दे, आखें बीमार है सजाद। हाँ फिर आए तो फिर क्या सुनना, सुन गया चल गए उधर, सुनिया बीमार है। अच्छा, आपको ये कहकर बुलाया गया कि सजाद बीमार है? नहीं, सजाद की नानी बीमार, मेरी लड़की जो है ना आखे वो बीमार है, और कोई पता नहीं ऐसे। यानी अभी तक पूरा आपको भी साफ नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? देखा नहीं, पता हमने नहीं। देखा नहीं अभी तक कुछ, क्या वजह है, क्या सजाद की बॉडी अभी भी नहीं देखी, अभी पोस्टमार्टम हो चुका है, कुछ पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं कब तक मिलेगी बॉडी? पता नहीं, बोल रहे थे इधर वेट करो दे देंगे, अब कुछ पता नहीं कब तक मिलेगी। सरकार से, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम कहना चाहते हैं यही कि जिसने भी ये काम किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा परिवार खत्म हो गया सारा, अब हमारा कोई रहा ही नहीं, बाकी क्या कहेंगे, ये तहकीकात करें पुलिस वाले सारे मिल के, ये क्या हुआ क्या नहीं अच्छी तरह, बाकी क्या कहना चाहेंगे।